तो इसमें हमें दिया हुआ है 2.5 थ्योरम जो हम कर रहे हैं कि किसी शून्य के भाजकों से रहित क्रमविन्यय बल्ले का एक क्षेत्र में अंतःस्थापन किया जा सकता है। अब शून्य के भाजकों रहित क्रमविन्यय अगर तत्सम की ओर जोड़ दें तो उसे पूर्णांकीय प्रांत भी कह सकते हैं। तो इसी थ्योरम को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत का एक क्षेत्र में अंतःस्थापन किया जा सकता है। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक पूर्णांकीय प्रांत परिभाषित करेंगे। पूर्णांकीय प्रांत परिभाषित होने के बाद में एक क्षेत्र लेके चलेंगे, क्षेत्र का एक उपसमुच्चय बनाएंगे, उस उपसमुच्चय में हम यह सिद्ध करेंगे कि दिया गया जो फलन है यानी जो पूर्णांकीय प्रांत है वह उस उपसमुच्चय के तुल्यकारी है। तुल्यकारी का मतलब अकेकी, अच्छादक और समाकारिता की शर्त का पालन करता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम मान के चल रहे हैं कि डी, माना डी पूर्णांकीय प्रांत है और डी जीरो हम शून्यतर अवयवों का समुच्चय, डी के शून्यतर अवयवों का समुच्चय है। इसमें हम डी क्रॉस डी जीरो को परिभाषित करते हैं। डी क्रॉस डी जीरो को हम लेके चलते हैं। ये डी क्रॉस डी जीरो इसका मतलब क्या हुआ, एक अवयव डी का दूसरा अवयव डी जीरो का होगा। डी जीरो डी के ही एलिमेंट्स हैं, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि उसमें जीरो एलिमेंट नहीं होगा। कोई भी जीरो एलिमेंट का मतलब जीरो नहीं आएगा। अगर जीरो नहीं आएगा तो इसका अर्थ यह होगा कि सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पेयर जो एलिमेंट आएगा वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। इसमें हमारे पास इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू डी एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां हम लिख सकते हैं कि ए एंड बी बोथ आर बिलोंग्स टू डी एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो डी क्रॉस डी जीरो में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब सबसे पहले एक संबंध हम परिभाषित करके चलते हैं। इसके अंदर संबंध डी इंटू डी जीरो में निम्न प्रकार परिभाषित है। हम एक संबंध मान के चलते हैं जो d इंटू डी जीरो में इस प्रकार से परिभाषित है कि अगर AB का संबंध CD से बनता है तो AD बराबर होगा BC के, यानी पहले का लास्ट से मल्टीप्लाई करने पर दूसरे का थर्ड से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट सेम बनता है। इस संबंध से हमारे पास एक क्षेत्र को या हमारे पास ये कह सकते हैं कि एक क्षेत्र के रूप में इसको परिभाषित करके चलेंगे। हमें पूर्णांकीय प्रांत का अंतःस्थापन सिद्ध करना है क्षेत्र के अंदर। पूर्णांकीय प्रांत का फील्ड में यानी इंटीग्रल डोमेन का फील्ड में अम्बेंडेड करने के लिए, अम्बेंडमेंट प्रूफ करने के लिए पूर्णांकीय प्रांत हमने डी ले लिया। इसके अंदर कोई भी हमारे पास पूर्णांकीय प्रांत परिभाषित हो सकता है, लेकिन क्षेत्र को जब लेके चलेंगे तो ये नहीं है कि हम डायरेक्ट कोई भी क्षेत्र ले सकते हैं। हमें इस प्रकार से लेना पड़ेगा जिसका उपसमुच्चय लें और वह डी के साथ सबसेट यानी समाकारिता केकी और अच्छादक की कंडीशन को डिफाइन कर दे, तुल्यकारिता की कंडीशन आइसोमॉर्फिज्म जो है उसको डिफाइन कर दे। अगर हम डायरेक्ट लेके चलेंगे थ्योरम प्रूफ नहीं हो पाएगी। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फील्ड एफ का एलिमेंट डिफाइन करते हैं और वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं क्षेत्र को, क्षेत्र सिद्ध करेंगे बाद में, एक समुच्चय इस प्रकार का लेके चलते हैं जिनका संबंध इस नियम के अनुसार ए कोमा बी से बनता है। यानी वो सभी अवयव लेके चलेंगे जिनका संबंध ए कोमा बी से इसमें परिभाषित होता है। ए कोमा बी से परिभाषित होने वाला जो संबंध होगा वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ए
अपॉन बी से व्यक्त करेंगे एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डी वाई बिलोंग्स टू डी जीरो वाई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स कोमा वाई तुल्यकारी ए कोमा बी, यानी ए कोमा बी के रूप में, यानी ए अपॉन बी के रूप में हम परिभाषित कर रहे हैं इसको, आगे परिभाषित भी करेंगे। ये जो है वो हमारे पास विभागवल्य की परिभाषा होगी, जो हम थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं उसी को हम विभागवल्य के रूप में परिभाषित करेंगे आगे जाके। इसके अंदर x, y यानी वो सभी अवयवों का समुच्चय जिसमें x, y का संबंध a, b से बनता है, a बटे b से परिभाषित करते हैं। इस a बटे b से परिभाषित होने वाले जो समुच्चय है उसको अगर हम f से ले लें कि a बटे b में आने वाले या a बटे b से परिभाषित होने वाले जितने भी अवयव हैं जिनमें a और b दोनों d के एलिमेंट्स हैं और b जीरो के इक्वल नहीं है, हम सिद्ध करेंगे कि f प्लस और गुणा के लिए क्षेत्र है। यह हमें जांच करनी है। सबसे पहले यहां प्लस जो परिभाषित होगा वो a बटे b प्लस c बटे d से परिभाषित होगा, जिसका जो मान आएगा वो bd ad प्लस bc के बराबर होगा और a बटे b इंटू c बटे d जो होगा वो ac बटे bd के बराबर होगा। इस रूप में प्लस और गुणा परिभाषित होने पर क्या यह एक पूर्णांक क्षेत्र है या नहीं उसकी जांच करेंगे। इसमें हमें क्षेत्र प्रूफ करना है। क्षेत्र सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमारी कंडीशन F11 F प्लस एसोसिएटिव एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों को अबेलिक रूप प्रूफ करना है। दोनों को अबेलिक रूप प्रूफ करने के लिए F11 लेके चल रहे हैं, उसी के अंदर ही मल्टीप्लीकेशन साथ में कर देंगे। हमें पता है कि एडिशन जो होता है वो हमेशा एसोसिएटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। a अपॉन b प्लस c अपॉन d जो होगा वो ऑलवेज इस पार्ट के इक्वल आएगा, यानी एडिशन एसोसिएटिव है। a अपॉन b प्लस c अपॉन d इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ऐड करेंगे तो ऑलवेज ये दोनों रिजल्ट इक्वल आएंगे। अगर इक्वल आएंगे तो f प्लस एसोसिएटिव है, सच रहे हैं। इसी प्रकार से f इंटू के लिए जब हम एसोसिएटिव चेक करेंगे तो a अपॉन b इंटू c अपॉन d इंटू e अपॉन f इनको मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई करें, चाहे a अपॉन b को c अपॉन d से मल्टीप्लाई करके फिर e अपॉन f से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम आएगा। इसका मतलब ये एसोसिएटिव की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो ऑलवेज एसोसिएटिव होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, ये a का c से और b का d से मल्टीप्लाई होते हुए हम लिख रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे f इंटू सच रहे हैं, उसके बाद में f12 वो कंडीशन लेके चलेंगे f प्लस के लिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब था हमारे पास तत्समक, तत्समक a अपॉन b में ऐसा क्या ऐड करें कि रिजल्ट जो है वो a अपॉन b आ जाए। जीरो अपॉन वन, अब जीरो अपॉन वन में जीरो d का एलिमेंट जरूर बनेगा, क्योंकि यहां a का जो पहला एलिमेंट है a और b दोनों d के एलिमेंट हैं, b जीरो नहीं होना चाहिए, यानी अपॉन वाली टर्म जीरो नहीं बननी चाहिए। यहां जीरो d का एलिमेंट है एंड वन जो है वो डी जीरो का एलिमेंट है, इसका मतलब जीरो अपॉन वन जो होगा वो f का एलिमेंट जरूर बनेगा, और अगर f का एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन के लिए भी चेक करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी जब चेक करेंगे तो इसमें हमारे पास टर्म आ जाएगी
एफ इंटू आइडेंटिटी, इसके अनुसार ए अपॉन बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट ए अपॉन बी आ जाए, वन अपॉन वन से मल्टीप्लाई करने पर ही रिजल्ट ए अपॉन बी के इक्वल आ सकता है। यहां वन जो है वो डी का एलिमेंट होगा, अगर वन डी का एलिमेंट है तो इसका मतलब वन अपॉन वन जो होगा वो हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास आइडेंटिटी प्रूफ कर रहे थे एफ इंटू के लिए आइडेंटिटी, तो एफ इंटू के लिए आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वन अपॉन वन, वन अपॉन वन बनेगा तो वन डी का एलिमेंट है, अगर वन डी का एलिमेंट है तो एफ का भी एलिमेंट होगा क्योंकि वन अपॉन वन एफ का एलिमेंट बनेगा, इसलिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने के बाद हमारे पास जो कंडीशन बनेगी एफ वन थ्री वो है एफ प्लस के लिए इनवर्स ए अपॉन बी में ऐसा क्या पार्ट ऐड करें कि रिजल्ट जीरो अपॉन वन आ जाए, अगर माइनस ए अपॉन बी ऐड कर दें तो जीरो अपॉन वन आ जाएगा, अगर ए डी का एलिमेंट है तो माइनस ए डी का एलिमेंट होगा बिकॉज डी जो है वो पूर्णांकीय प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन के अंदर जो हमारे पास ए अगर डी का एलिमेंट बनेगा तो माइनस ए भी डी का एलिमेंट जरूर बनेगा क्योंकि उसमें योज्य प्रतिलोम विद्यमान होता है, बी ऑलवेज नॉट इक्वल्स टू जीरो है और डी जीरो का एलिमेंट है, इसका मतलब माइनस ए अपॉन बी भी एफ का एलिमेंट बनेगा और अगर ये एफ का एलिमेंट है तो प्रतिलोम विद्यमान है। उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन के लिए एफ इंटू प्रतिलोम, ए अपॉन बी को किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट जो है वो हमारे पास वन अपॉन वन आ जाए, बी अपॉन ए से। हमें बताया है कि अगर ए भी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाता है तो जीरो अपॉन समथिंग शून्य अवयव बन जाएगा, शून्य अवयव का प्रतिलोम हम निकालते नहीं कभी भी, हम इसमें कहते हैं शून्येतर अवयव का प्रतिलोम, शून्येतर अवयव का प्रतिलोम यानी जो जीरो नहीं हो, जीरो नहीं हो तो ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बी की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी। इस केस में ए और बी दोनों डी के एलिमेंट्स हैं, बी अपॉन ए जो बनेगा वो भी हमारे पास एफ का एलिमेंट बनेगा, अगर एफ का एलिमेंट बनता है तो प्रतिलोम विद्यमान है। फिर आता है हमारे पास क्रम विन्यता, नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है, हमें बताया नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ए प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन डी ऑलवेज सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी के इक्वल आएगा। मल्टीप्लीकेशन के लिए लेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी ऑलवेज इक्वल होगा c अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी के, इसका मतलब कम्यूटेटिव है। अर्थात एडिशन और मल्टीप्लीकेशन बोथ के लिए हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है। हमने अभी तक इसमें एफ के लिए बाकी सारी कंडीशंस चेक कर ली, एक हमारे पास अब इसमें प्रॉपर्टी रहती है एफ थ्री जो है बंटन था यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एफ प्लस और इनटू के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है ए अपॉन बी का अगर सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a अपॉन बी इंटू सी अपॉन एफ डी प्लस a अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ के इक्वल आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसमें लघुत्तम ले लेते हैं,
यहां df आ जाएगा नियमानुसार cf प्लस d बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे acf प्लस ad अपॉन bdf बन जाएगा। इस पार्ट को हम लिख सकते हैं acf अपॉन bdf प्लस ade अपॉन bdf के फॉर्म में, f से f कैंसिल, इसमें d से d कैंसिल, ये जो स्टेप बचेगा वो हो जाएगा a अपॉन b इंटू c अपॉन d इज इक्वल प्लस a अपॉन b इंटू e अपॉन f के इक्वल, जो हमें पार्ट में प्रूफ करना था। इसी प्रकार हम इसका सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग a अपॉन b प्लस c अपॉन d इंटू e अपॉन f इक्वल होगा a अपॉन b इंटू e अपॉन f प्लस c अपॉन d इंटू e अपॉन f के, जो हम प्रूफ कर सकते हैं। अर्थात ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है, f प्लस और इनटू एक क्षेत्र है। हमें सिद्ध करना है कि d जो पूर्णांकीय प्रांत हमने लिया था उसका f में अंतःस्थापन किया जा सकता है। इसको अंतःस्थापन प्रूफ करने के लिए इसका सबसेट लेना पड़ेगा हमें। माना s सबसेट ऑफ f, और ये सबसेट कुछ इस फॉर्म में डिफाइंड है कि S में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो A अपॉन E की फॉर्म में है, जहां E F का तत्समक है। यहां हम E को F का तत्समक लेके चलते हैं और A अपॉन E के रूप में जो भी हमारे पास एलिमेंट्स बन रहे हैं वो सभी के सभी एलिमेंट्स S के एलिमेंट्स हैं, हम ये मान के चलते हैं। हमें इसको प्रूफ करना है कि ये अंतःस्थापन होता है। अंतःस्थापन प्रूफ करने के लिए एक फलन परिभाषित करेंगे, ये फलन d से s में परिभाषित होगा कुछ इस प्रकार से कि एक एलिमेंट अगर a का लेके चलते हैं d का लेके चलते हैं तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो a अपॉन e के फॉर्म में आएगा। हमें इसको अकेकी, अचातक और तुल्यकारिता सिद्ध करनी है। अकेकी, अचातक और तुल्यकारिता सिद्ध करने के लिए सबसे पहले कंडीशन f अकेकी, f अकेकी के लिए f of a is equals to f of b, a upon e is equals to b upon e, a is equals to b e, e तत्समक होने के कारण a equals to b आ जाए, अर्थात f अकेकी है। सेकंड कंडीशन f अचातक, अचातक में हमारे पास कंडीशन आ जाएगी f of x is equals to y, यानी x upon e is equals to y, या हमारे पास इसमें डायरेक्ट लिख देंगे हम f of x is equals to x upon e। अगर x upon x एलिमेंट d का लेके चलते हैं तो x upon e जो होगा वो कैपिटल f s का एलिमेंट जरूर बनेगा, और अगर s का एलिमेंट बनता है तो f अचातक है। समाकारिता, समाकारिता की कंडीशन थी हमारी फाइ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी, इसको लिखेंगे ए प्लस बी अपॉन ई के इक्वल, जिसको ए अपॉन ई प्लस बी अपॉन ई लिखा जा सकता है, और ये कंडीशन बन जाएगी फाइ ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, कुछ इसी फॉर्म में f of a into b डिफाइन करेंगे, जो a into b upon e होगा, जिसको a into b upon e into e लिखा जा सकता है, ये a upon e into b upon e के इक्वल आएगा, अर्थात f of a और f of b का मल्टीप्लिकेशन होगा। f समाकारी है, अकेकी है, अचातक है, अर्थात b तुल्यकारी है इसके पूर्णांकीय प्रांत का। क्षेत्र में अंतर स्थापन किया जा सकता है।